तीनों को एक किस्म का कैरिकुलम दें और तीनों को एक लाइन पे लाएं, चाहे मदरसा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी, क्योंकि अगर ये गैप बढ़ता गया तो इस मुल्क के बहुत मुश्किलात पड़ेंगे और पड़ चुके हैं। हर एक अपने अपने सोच के प्राइवेट स्कूल का है वो कुछ और अपने आप को समझता है, गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो कमज़ोर अपने आप को समझता है, मदरसे में जो हैं वो कुछ और सोच है। तो ये तीन सोचें अगर इस मुल्क में चलती रहीं तो ये मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो हमारी कोशिश है कि तीनों को एक ही ग्रेड पर लाएँ और तीनों एक तरह का सोच पैदा करें। इसी तरह हेल्थ है, एजुकेशन में तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मैं बहुत कुछ पहले कर चुका हूँ और उसी को आगे लेकर जाना है। एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स किए, तनख्वाहें बढ़ाई, सब कुछ किया, अब इसको और आगे लेके जाना है, रिज़ल्ट देना है मैंने सूबे को कि हमारे गरीब और प्राइवेट स्कूलों में और मदरसों में लोगों को बेहतरीन तालीम मिले। दूसरा हेल्थ है, देखें हेल्थ एक ऐसा है, हेल्थ एजुकेशन, ये अगर आप आईन को पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ एजुकेशन हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज तक किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, क्योंकि अगर पूरी करते तो हमारे स्कूलों के तालीम और नतीजे को आप देखें ऐसे ना होते। ये ज़िम्मेदारी खाली ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि बिल्डिंग बनाओ, ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को बेहतरीन तालीम दे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अस्पताल बनाओ और उसमें डॉक्टर ना हो, उसमें दवाई ना हो, उसमें इलाज ना हो, तो फिर उस बिल्डिंग को बनाने का क्या होगा। ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, खाली ये नहीं है कि बिल्डिंग बनाओ, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को सेहत की सहूलतें मिले, बेहतरीन सहूलत मिले, अस्पताल में दवाई पूरी हो, डॉक्टर हाजिर हो, जो वहाँ कमी है वो पूरे। हमने 5 साल में और 8 साल में सब कुछ पूरा किया, हज़ारों डॉक्टर्स हमने भर्ती किए, टेक्नीशियन नर्सेज सब कुछ हमने किए अपने वक्त में, और लोग जब इलेक्शन आया तो लोगों को पता चल गया था, इसी वजह से हमें वोट मिला, इसी वजह से 2018 में हमने इलेक्शन जीता, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में हमने सहूलतें दी, स्कूलों में रिज़ल्ट दिए। और हॉस्पिटल में ये हाल था कि अगर टीचर का कहूँ तो 50% टीचर का राज है, हमने उसकी हाजिरियाँ लगाई, चेक किया, रिकॉर्ड रखते रहे और उनसे तनख्वाहें करते थे, तो वो एक बेहतरी आ गई। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल से गैर हाजिर, क्योंकि यहाँ पर तो लोग डॉक्टर भी सियासत करता है और टीचर भी करता है, उसको ये गम नहीं है कि गरीब आदमी आम आदमी को वो सहूलत नहीं है, क्योंकि उसका पूछने वाला कोई नहीं, मैं तो पूछने वाला हूँ। तो डॉक्टर हाजिर किया, इंशाल्लाह फिर हाजिर करेंगे। शुरू में मैंने इमरजेंसी फ्री कर दी, क्योंकि इमरजेंसी में किसी के पास एक्सीडेंट हो जाए, पैसा नहीं होता, तो हमने फ्री कर दी, और उसके बाद फिर भी वो मसला पूरा नहीं हुआ, फिर हमने यहाँ सेहत कार्ड लाए। अब मैंने 18 लाख ख़ानदानों को सेहत कार्ड दिया और इलाज फ्री हो गया तकरीबन। उसके बाद महमूद ख़ान ने सारे सूबे के लोगों को जिसके पास शनाख्ती कार्ड था उसको सेहत कार्ड दिया, ताकि लोगों का इलाज मुफ्त हो, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है किसी का, ये हम हुकूमत की ज़िम्मेदारी। आईन कहता है कि हमने लोगों को ये सहूलतें देनी, लेकिन अफसोस ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी है, इन्होंने एक जुल्म कर दिया, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दी। अब सेहत कार्ड बंद करना तो गरीबों की ज़िंदगी लेना है, गरीबों को कत्ल करना है, तो ये मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है एक कातिल है। अगर गरीब आदमी इलाज ना कर सके, 10 लाख का ऑपरेशन आए, वो क्या करेगा। तो ये इनको चाहिए कि कातिल ना बने, इनको वो बददुआ मिलेगी कि ये याद करेंगे, क्योंकि गरीबों का इलाज बंद करना इस मुल्क में बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह हमने अपने वक्त में गुड गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस ये कि बेहतरीन हुकूमत चलाई, हमने इदारों में मदाखलत ख़त्म कर दी, हमने ना टीचर ट्रांसफ़र में मदाखलत की, ना डॉक्टर के ट्रांसफ़र में मदाखलत की, ना पुलिस में मदाखलत की। अब पुलिस क्यों बेहतर हुई, पुलिस तभी बेहतर हो सकती है कि हम सिफारिश पे अपने अफसर ना लगे। अगर DPO SHO मुहर्रर मेरे कहने पर लगेगा तो वो तो लोगों के कपड़े उतारेगा। तो हमने एक सिपाही को भी नहीं टच किया, मैंने एग्रीमेंट किया अपने IGs के साथ कि मैं मदाखलत नहीं करूँगा, मेरा कोई वजीर मदाखलत नहीं करेगा, एक कॉन्स्टेबल एक सिपाही भी कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, और उसका और मैं थाना कल्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने उनसे एग्रीमेंट किया कि आप मुझे अच्छा रिज़ल्ट थाने में दें, हम मदाखलत नहीं करेंगे। तो यही आपने देखा, जब मदाखलत ख़त्म होगी, पुलिस बेहतर होगी, डिलीवर करना शुरू हो गया, लोगों की इज़्ज़त बहाल करी, क्योंकि पुलिस का काम है कि मसले हल करना, ये नहीं है कि मसले बनाना। तो हमने यही कोशिश की।